नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध शराब कारोबारियों के ठिकाने पर पुलिस ने मारा छापा, भारी मात्रा में शराब बरामद। एसएसपी ने कहा बक्से नहीं जाएंगे तस्कर। नवगछा पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों का किया खुलासा, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। विपत्ति में दबंगों ने इंदिरा आवास के तहत बनाए गए घर को जेसीबी से किया ध्वस्त, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, रोड शो कर अपने पक्ष में मतदान की जनता से की अपील। और आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन में शिरकत करने पहुंचे हैवीवेट चैंपियन द ग्रेट खली। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। दरअसल भागलपुर के ततारपुर और मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कारोरी बाजार और मधुसूदनपुर वहियार में सीआईएटी कमांडोज और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। वहीं शराब ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर पुलिस ने कई जगहों से शराब बनाने की सामग्री के साथ कच्चा माल भी बरामद किया है, जिसके बाद उसे विनिष्ट कर दिया गया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम और एएसपी शुभम आर्य भी पहुंचे, जिसके बाद एसएसपी ने शराब कारोबारियों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर कार्रवाई करने की बात कही। इधर भागलपुर में शराब कारोबारियों के ठिकानों पर चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी को लेकर एसएसपी बाबूराम ने कहा कि नए साल के आगमन को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध कारोबार पर लगाम लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर करोड़ी बाजार में छापेमारी करते हुए एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कई लीटर अर्धनिर्मित शराब का विनिष्टीकरण कर दिया गया है। यहाँ पूरे जिला में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज यहाँ करोड़ी बाजार में भी कुछ घरों में सूचना थी शराब बनाने की, यहाँ छापामारी हुई है। एक घर से कुछ बरामदगी भी हुई है, महिला की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एक जगह और ताड़ी नष्ट करने का प्रमाण मिला है। पुलिस को देख के कुछ लोगों ने शायद नष्ट कर दिया है, तो ये कार्रवाई अभी यहाँ जारी है। और भी हमारे पास कुछ नाम हैं, शहर के दूसरे हिस्से में भी जहाँ सूचना वहाँ भी छापामारी की जाएगी। बाईपास में भी सर लगातार 2 दिनों से शराब बरामद हो रहा है। बाईपास में भी बरामद हुआ है, जो झारखंड की तरफ से लाया जा रहा था, वहाँ पर भी हम लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया है आज सूचना संकलन के लिए। और इसके अलावा जो दियारा क्षेत्र है वहाँ पे जहाँ शराब बनाने की सूचना है, दियारा में भी छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इधर छपरा और सिवान में हुए जहरीली शराब से हुई मौत के बाद प्रशासन एक्टिव मोड पर है। दरअसल नववर्ष को भी मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से लगातार शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं सोमवार की अहले सुबह जगदीशपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग के रास्ते से शराब की बड़ी खेप भागलपुर लाई जा रही थी, जिसको लेकर जगदीशपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। तभी चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को एक कार पर शक हुआ, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन शराब माफिया वहां से भागने में सफल रहा, जिसकी जानकारी जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार द्वारा बाईपास थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुमार को दी गई। वही थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश कुमार के नेतृत्व में रोको टोको अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस को संदेह होने पर एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिससे 10 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुआ। साथ ही पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। नवगछिया पुलिस ने बड़ी कार्यवाही के तहत 4 अलग अलग मामलों का निष्पादन कर दिया है। वहीं पूरे मामले की जानकारी नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एसपी ने बताया कि गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्म्स एक्ट और हाफ मर्डर मामले में फरार अभियुक्त दिलखुश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त मामले को लेकर एसपी ने बताया कि अभियुक्त हथियार का भय दिखाकर दहशत फैलाने की नीयत से घटना को अंजाम देकर फरार चल रहा था, जहाँ पुलिस की विशेष छापेमारी टीम के द्वारा अभियुक्त दिलखुश को कहलगांव से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरा मामला झंडापुर ओपी का है, जहां मोटरसाइकिल और रुपये की लूटपाट मामले का भी पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी शांत कुमार सरोज ने बताया कि वादी रविंद्र कुमार के फर्द बयान पर झंडापुर ओपी में मोटरसाइकिल एवं 2 लाख रुपये लूटपाट मामले का केस दर्ज किया गया था, जबकि मामले में अभियुक्त बादल कुमार से पुलिस अनुसंधान के क्रम में 25,000 रुपये की लूट की बात सामने आई और चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने अभियुक्त बादल के घर से बरामद किया है। आरोपी ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है, जबकि पुलिस ने आरोपी का मेडिकल करा के उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके अलावा एसपी शांत कुमार सरोज ने बताया कि शराब मामले में भी 8 गिरफ्तारियां हुई है।
आपको याद होगा जो रंगरा थाना में केस हुआ था 625/22/13/12 को हत्या हुई थी मुखिया जी के भाई का, उसमें दिलखुश कुमार जिनका कई अपराधिक इतिहास है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि गिरफ्तारी में हमारे थाना पहाड़ी गोपालपुर रंगरा और बजरा प्रभारी थे। इनके पास एक मोबाइल मिला है और एक मोटरसाइकिल में सत्यापन हम लोग कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल मोबाइल इनका अपना है या फिर कोई लूटी गई है। सत्यापन के बाद से कहलगांव से गिरफ्तारी हुई है, कल उन्होंने गिरफ्तार किया है और 8 आपराधिक इतिहास इनके नाम पे दर्ज है और सभी महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि आर्म्स एक्ट में है, मर्डर में भी है, लूट में है, डकैती में इत्यादि इत्यादि। तो 1 तारीख से लेकर कल तक 25 तक नगोशिया पुलिस ने 179 अभियुक्त गिरफ्तारी की है, जिसमें से कल का 8 भी शामिल है। अब बरामदगी आप देखें तो शराब देसी, और मैं शराब की बात कह रहा हूँ, अभी देसी शराब लगभग 440 लीटर बरामद हुआ है और जो विदेशी शराब है 1 ट्रक भी बरामद हुआ था भवानीपुर में, 2501 लीटर बरामद हुआ है। और जो प्रिवेंटिव जो पुलिसिंग करते हैं अपराध को रोकथाम करने, अपराध नहीं हो उस कड़ी में इस माह मतलब 1/12 से 25/12 तक हम लोग 19 का गुंडा प्रस्ताव भी। भागलपुर के पिरपैती प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत के दखली गांव में दबंग दिलीप मंडल और विपिन मंडल द्वारा ब्रह्मदेव मंडल, रमाकांत मंडल और मोतीलाल मंडल का इंदिरा आवास से बना घर जेसीबी से तोड़ दिया गया। घटना को लेकर पीड़ित ने बताया कि दबंगों द्वारा उनके घरों को तोड़ दिया गया है और उन लोगों की मदद पुलिस प्रशासन भी नहीं कर रही है, जबकि अब उन लोगों को रहने की समस्या हो गई है। वहीं घर टूट जाने से वो लोग सड़क पर आ गए हैं और उनके सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। साथ ही पीड़ित परिवार वालों ने एकचारी थाना की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिलीप मंडल और विपिन मंडल ने थानाध्यक्ष मुकेश कुमार को पैसा देकर मैनेज कर लिया है, जिसके कारण उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। इधर इस तरह के मामलों के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे की सच्चाई भी सामने आ गई है, जिसमें बिहार पुलिस प्रशासन की ईमानदारी से काम करने की बात पर सवाल खड़े होने लगे हैं। घर तो यहाँ वहाँ सब 10 आदमी तोड़ दिया, इधर का यहाँ फेंक दिया। इसमें क्या मामला है, कौन बेचा और कौन खरीदा है? दिलीप मंडल, विपिन मंडल खरीदे है, बेचा है चमेली मंडल, वो बड़ी कदर जाना है। वो जमीन था किसका जो चमेली देवी बेचती है? वो जमीन मंडियारी मेरा, हमरो ही जमीन था। आपका जमीन था? हाँ, हमारा बड़ा बाप का जमीन था। चमेली देवी क्यों बेची? चमेली देवी ने उसका लाखों देवी के लिखा था, वो इसी कारण से वो बंसावली बना के 2014 में बरियारी लिख दिया, जबरदस्ती लिख दिया है। भागलपुर नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को शहर के सभी मुख्य चौक, चौराहों, बाजारों और अलग अलग वार्ड एवं मोहल्ले की सड़कों पर महापौर और उप महापौर पद के प्रत्याशियों ने रोड शो निकाल कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व महापौर सीमा साह, खुशबू कुमारी, श्वेता प्रियदर्शनी, सविता देवी समेत कई प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाते हुए लोगों से अपने समर्थन में वोट देने की अपील की, जबकि उप महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, संतोष कुमार, कबीता राय, डॉक्टर ओमनाथ भारती, छोटे लाल शाह समेत अन्य प्रत्याशियों ने भी रोड शो के माध्यम से शहर की जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं वसुंधरा लाल का रोड शो जहां भागलपुर गौशाला परिसर से निकलकर शहर के मुख्य बाजार समेत अलग अलग चौक चौराहे से गुजरा, जबकि पूर्व महापौर सीमा शाह का रोड शो लाजपत पार्क के समीप से निकाला गया, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरा। इधर महापौर प्रत्याशी वसुंधरा लाल और सीमा शाह के समर्थकों की बात करें तो दोनों के ही समर्थकों ने अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया और समर्थन में भी जमकर नारेबाजी की। वहीं इसको लेकर जगह जगह सड़कों और बाजारों में जाम की भी स्थिति बनती रही, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता रहा। इधर भागलपुर नगर निगम के 51 वार्ड के चुनाव के लिए पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों ने भी अपने अपने क्षेत्र में जनता से मिलकर जनसंपर्क किया, जबकि प्रचार वाहन की मदद से भी वार्ड के लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील मतदाताओं से की गई। इसी के साथ बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 28 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे के बाद थम गया।
भागलपुर के सबौर इब्राहिमपुर रोड स्थित दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल में सिल्वर जुबली के अवसर पर साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के सहयोग से विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक संदेश समेत कई तरह की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई थी। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हैवीवेट चैंपियन द ग्रेट खली के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध रेसलर दिलीप सिंह राणा थे, जिन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी को देखने के बाद स्कूल के डायरेक्टर और प्रबंधन के साथ बच्चों के प्रयासों की भरपूर सराहना की। एक ओर जहां खली के स्वागत के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे, वहीं उनको देखने के लिए स्कूली बच्चों के साथ विभिन्न जगहों से युवा बच्चे और उनके प्रशंसकों की भीड़ स्कूल परिसर और आसपास में जुटी रही। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन द ग्रेट खली के साथ भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर, डॉक्टर अवलोकिता अशोक, डायरेक्टर संजय पासवान समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका वहां मौजूद लोगों ने आनंद लिया। मौके पर काफी संख्या में स्कूली बच्चे, शिक्षक, शिक्षिका, विभिन्न जगहों से आए गेस्ट और खली के फैन मौजूद रहे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मेरा नाम अजय कुमार हुआ, घर गोछारी, जिला खगड़िया। मैं किसान हूँ, डायबिटीज पेशेंट एक साल पहले से था। अंग्रेजी दवाई खा रहे थे बेगूसराय से, 200 और 300 फास्टिंग, 200 और पीपी 300 था। तो भोला जी हमको बताए, मेरा का था वो, कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं भागलपुर में, एक राय वहाँ से दवाई खाइए, आप ठीक हो जाइएगा, एकदम डायबिटीज संतुष्ट हो जाइएगा, बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ भागलपुर से स्टार्ट किए दवाई खाने के लिए। जब से दवाई खाएं, खान पान को नियंत्रण रखते हुए जैसे डॉक्टर साहब बताएं वैसे खाएं, उस दिन से तो डायबिटीज कमते ही चला गया। और एक महीना से दवाई हम नहीं खाएं, कोई भी दवाई नहीं खाने के बावजूद भी, सब चावल दाल आलू सब्जी खाते हुए भी अभी डायबिटीज मेरा 125 है। अब मैं इस डॉक्टर से संतुष्ट हूँ, और जो डायबिटीज पेशेंट हैं संपर्क कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। मैं सुबोध कुमार, नवसुरजित प्राथमिक विद्यालय बाकरपुर हाजीपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। मैं 2017 से डायबिटीज का रोगी रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैं उनसे इलाज कराया, तो मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हूँ। बिना दवा का मेरा नॉर्मल रहता है, मैं हर एक चीज़ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 6 महीना लगा उनसे इलाज कराने में, और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कोई भी दवा नहीं खाता हूँ। डायबिटीज़ का नॉर्मल है मेरा डायबिटीज, अब नॉर्मल रहता है और मैं स्वस्थ। ऐसा इलाज मैंने पहली बार देखा है, मतलब एक अनोखा इलाज है। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे जब इलाज कराया तो पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐसा भी है जो पूर्ण रूप से आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक दवा है, और बहुत अच्छा है।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नगर निगम चुनाव में महापौर प्रत्याशी वसुंधरा लाल ने अपने समर्थकों के साथ सोमवार को गौशाला परिसर से रोड शो से बाइक रैली निकाली, जिसमें काफी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान रोड शो MP द्विवेदी रोड, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीफाबाद चौक, घंटाघर चौक होते हुए क्षेत्रों से गुजरा, जहाँ वसुंधरा लाल ने हाथ जोड़कर सभी व्यवसायियों के साथ आम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और मतदान के लिए समर्थन देने की अपील की। वहीं इस दौरान प्रत्याशी के पति और चर्चित चिकित्सक डॉक्टर बिहारी लाल, भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे समेत काफी संख्या में रोड शो में मौजूद लोगों ने भी जनता पर भरोसा जताते हुए अपने प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल की जीत का दावा किया। वहीं रोड शो के दौरान मेयर कैंडिडेट डॉक्टर वसुंधरा लाल और उनके समर्थकों से बात की हमारे संवाददाता रविशंकर सिन्हा ने। मौजूद है भागलपुर के घंटाघर के समीप और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है यहाँ जो रोड शो निकाला गया है, जो यहाँ महापौर की प्रत्याशी हैं वसुंधरा लाल, उनके समर्थन में काफ़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक यहाँ उमड़े पड़े हुए हैं और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और इसको लेकर के काफ़ी समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है और सभी लोगों के अपने अपने दावे हैं। हम इसमें कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है और चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त हैं। जी सर, चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त हैं? ये जनता का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं 100% विजय प्राप्त करूंगा। क्या सर, कितने आश्वस्त हैं? क्या भरोसा? जनता की मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है, हमसे आगे मेरे लिए जनता आगे है और मुझे भरपूर उम्मीद है कि मैं विजयी प्राप्त होऊंगा। आप डॉक्टरी पेशे से हैं और एक नई शुरुआत हो रही है मैडम की? हाँ, ये हर्ष की बात होगी कि मुझे और सेवा का मार्ग और प्रशस्त होगा और मार्ग बड़ा होगा और मैं समाज के काम में आ सकूंगा। सारी जनता इनके साथ है, इस बार इनका विजय होना है, इसीलिए भागलपुर का सभी पब्लिक प्रशासन सभी के साथ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रथ से जो शोभा यात्रा यहाँ निकाली गई है, रोड शो जो निकाला गया है उसको लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में और समर्थकों में और काफ़ी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। बाजे गाजे के बीच यहाँ पर ये रोड शो चल रहा है, अभी शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरने वाला है यह रोड शो और आज चुनाव प्रचार समापन होने के बाद ही जो है 28 तारीख को चुनाव किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह और तैयारियाँ की गई है ढोल बाजे नगाड़े के बीच में। आप देख सकते हैं कि रोड शो में वसुंधरा लाल जो महापौर की प्रत्याशी है वो तमाम लोगों का अभिनंदन कर रही हैं और अपने पक्ष में वोट देने की लोगों से अपील के लिए पहले भी जनसंपर्क इनके द्वारा किया जा चुका है और ये लगातार जो है। जी मैडम, मैं 101% आश्वस्त हूँ। घरों से लोग निकल करके विक्ट्री साइन दे रहे हैं, मुझे अपार बहुमत से जिताने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि मैं जरूर जीत करके आऊँगी और जनता की सेवा करूँगी। आपने देखा कि इनके द्वारा जो जनसंपर्क किया गया था तो यह विश्वास जता रही है कि लोगों का भरपूर समर्थन इन्हें मिलेगा और ये महापौर का जो चुनाव है वो जो नगर निगम का चुनाव है महापौर और उपमहापौर और पार्षद पद के लिए 51 वार्ड के लिए, तो उसमें इन्हें सफलता मिलेगी और एक पहली बार ये राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़ेंगे और महापौर बनकर भागलपुर के विकास का काम करेंगे, ऐसा इनका दावा है, इनका वादा है जनता से। अब हालांकि यह देखना होगा 28 तारीख को मतदान और उसके बाद जो परिणाम आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि जनता किसे अपना भरपूर समर्थन देती है। सिर्फ टीवी के लिए रविशंकर सिन्हा। भागलपुर नगर निगम चुनाव प्रचार को लेकर सोमवार को पूर्व महापौर सीमा शाह ने मेयर कैंडिडेट के रूप में शहर के कई वार्ड और मोहल्ले में पैदल यात्रा कर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान चुनाव प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर सीमा शाह ने अपने साथ लोगों को अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं इसके बाद भागलपुर लाजपत पार्क मुख्य द्वार के समीप भारी संख्या में मेयर प्रत्याशी सीमा शाह के समर्थकों की भीड़ जुटी रही, जहाँ से ढोल नगाड़ों के बीच समर्थकों ने जमकर अपने
प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं इसके बाद बाइक रैली सह रोड शो निकाला गया, जिसमें खुले वाहन में सवार सीमा शाह ने अपने समर्थकों के साथ आम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो शहर के शंकर टॉकी चौक, नया बाजार चौक, सराय नरगा चौक, चंपानगर, ततारपुर स्टेशन चौक, लोहिया पुल, गुड़हट्टा चौक, अलीगंज, बागपाड़ी, भोलानाथ पुल, पटल बाबू रोड होते हुए गौशाला में आकर संपन्न हुआ। वहीं रोड शो के दौरान चुनाव और जनसंपर्क को लेकर महापौर प्रत्याशी सीमा शाह से बात की हमारे संवाददाता इशुराज ने। निगम चुनाव में जो है प्रचार प्रसार की आज आखिरी तिथि है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी जो है आज पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है निवर्तमान महापौर जो कि इस बार भावी मेयर प्रत्याशी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार जो कैंपेनिंग हुआ उसमें जनता का किस प्रकार का अपार समर्थन उनके साथ है। आज प्रचार प्रसार की आखिरी तिथि है, क्या जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का भरपूर समर्थक मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है। अच्छा ये बताएं कि जो पिछले कार्यकाल में अगर कोई कार्य बाकी रह गया हो तो अगर जनता चुनेगी तो हमारा किस तरह से कार्य? इसीलिए तो जनता चुन रही है और कह रही है सीमा शाह को लाएंगे, जो अधूरा काम किया है वो पूरा करेंगे, क्योंकि उनको अनुभव है और नॉलेज है। जीत सुनिश्चित है? जीत सुनिश्चित है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। तो जैसा कि देखा आपने पूर्व महापौर मेयर सीमा शाह है, जीत का दावा कर रही हैं। उनका कहना है कि जो जनता का जो समर्थन है उनका अपार समर्थन है और इस बार पूरे दमखम के साथ जीत सुनिश्चित है। जिंदाबाद, समर्थन है, पूरा समर्थन है, सभी जाति सभी पार्टी का चंचलाब है, स्वनामी है, हर एक जात की है, हर एक जात का भी है। तो देख सकते हैं कि उनके समर्थकों में कितना ज्यादा सीमा शाह के ज्यादा वे लोग जो है सीमा शाह के समर्थन में है। और उनका कहना है कि जो जीत है इस बार सुनिश्चित है, और यह भी कहना है हालांकि सबके अपने अपने दावे भी हैं, लेकिन आगे क्या होगा यह 28 दिसंबर को ही तय हो पाएगा। नगर निगम चुनाव में उपमहापौर प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आसमानी उतरी कविता राय ने प्रचार के अंतिम दिन लोगों के बीच जाकर अपने चुनाव चिन्ह के सामने का बटन दबाकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। सोमवार को कविता राय ने गाजे बाजे के साथ भीकनपुर से रोड शो निकाला और शहर वासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए अपने समर्थन में मतदान करने की अपील की। वहीं कविता राय का रोड शो मुंदी चक, सुजागंज बाजार, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक, एमपी द्विवेदी रोड, गोलाघाट, नया बाजार, रामसर, नाथनगर, केवीलाल रोड, चंपानगर समेत कई वार्ड के इलाकों का भ्रमण किया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने भी महापौर प्रत्याशी कविता राय को समर्थन का भरोसा दिया। वहीं कविता राय ने शहर वासियों को नगर निगम के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के साथ महिला सशक्तिकरण को बल प्रदान करने की भी बात कही, जिससे आत्मनिर्भर होकर महिलाएं आगे बढ़ सके। इस दौरान समर्थकों ने भी अपने प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए समर्थन में नारा लगाया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध शराब कारोबारियों के ठिकाने पर पुलिस ने मारा छापा, भारी मात्रा में शराब बरामद, एसएसपी ने कहा बक्से नहीं जाएंगे तस्कर। नवगछा पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों का किया खुलासा, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। विपत्ति में दबंगों ने इंदिरा आवास के तहत बनाए गए घर को जेसीबी से किया ध्वस्त, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, रोड शो कर अपने पक्ष में मतदान की जनता से की अपील। और आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन में शिरकत करने पहुंचे हैवीवेट चैंपियन द ग्रेट खली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।